नागपंचमी हिंदू धर्म में एक प्रमुख तिथि है। इस दिन भगवान शंकर के गले के हार यानी कि नाग की पूजा होती है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग इस दिन नाग को दूध पिलाते हैं। भगवान शंकर के मंदिर में भी दूध चढ़ाया जाता है। काल सर्प दोष वाले लोग इस दिन नाग की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन काल सर्प दोष की पूजा कराई जाती है। ये जयपुरा काशी के जयपुरा का इलाका है, ये नागकूप है, महर्षि पतंजलि की तपोभूमि है और बड़ा ही सिद्ध स्थान है। और ऐसा कहा जाता है जिस जातक को भी काल सर्प दोष है या कोई ग्रह बाधा है नाग से संबंधित, नाग काल सर्प दोष से संबंधित या कोई भी पीड़ा है, तो इस दिन आज के दिन में यहाँ पर दर्शन किया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर तांबे का नाग नागिन की पूजा होती है, तांबे से या चांदी से, ऐसे तांबे से भी। और यहाँ पर बगल में ही एक नागकूप है और ऐसा कहा जाता है उस नागकूप में प्राचीन काल में उसी से एक रास्ता जो है पाताल लोक में निकलता है, तो इसका महात्म्य। और हम लोग हर साल प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग काशी में निवास करते हैं या काशी के आसपास के क्षेत्रों में, क्योंकि अभी कोविड है, लेकिन यदि किसी को भी काल सर्प दोष है या मांगलिक भी दोष है, तो वो आज के दिन यहाँ पर आ करके यहाँ नागकूप में नाग नागिन के जो प्रतीकात्मक रूप में जो भी दर्शन पूजन होता है या जो भी पूजा होती है, पद्धति होती है, वो जरूर से जरूर करें और उसका लाभ। काल सर्प दोष के लिए आए थे हम यहाँ पर, बहुत मानता है नाग नागिन का, और काल सर्प जो भी मनोकामना तो पूरी होती है, सब देख करके हम लोगों ने भी आज पूजन पाठ किया है। हम लोग 5 दिन से कर रहे हैं लगातार और आज जो है हमारा सफल हुआ है सब दर्शन करके। सब सर यहाँ पे काल सर्प का जो है सबसे बड़ा मान्यता है और ये बनारस का सबसे बड़ा काल सर्प का यही जगह है और कुछ भी दोष उस रहता सब यहीं से क्लियर होता है, सब ऊपर वाले यहाँ से अपना करता है। मंदिरों और घाटों के शहर वाराणसी में एक सदियों पुराना मंदिर है जहां काल सर्प दोष की विधिवत पूजा कराने की परंपरा है। इसका नाम है नागकुआं मंदिर। वाराणसी के जैतपुर में यह प्राचीन मंदिर स्थित है। मंदिर के प्रांगण में एक प्राचीन कुंड भी है। जिस किसी व्यक्ति को काल सर्प दोष होता है वह नाग पंचमी के दिन जैतपुरा के इस मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कराता है। साथ ही मंदिर के कुंड में नाग देवता को दूध भी पिलाया जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि नागकुआं मंदिर में नाग पंचमी के दिन विधिवत पूजा कराने से जातक की कुंडली से काल सर्प दोष मिट जाता है। इस कुंड का नाम नागकूप है जहां दर्शन मात्र से ही सभी पापों से मुक्ति मिलती है। वाराणसी के इस नागकूप में आज सुबह से ही नाग पंचमी के अवसर पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही भक्त कूप में दूध चढ़ाकर नाग देवता को खुश करने को आतुर है। अपने पापों व काल सर्प दोष की मुक्ति के लिए यहां सुबह से ही पूजा पाठ कर रहे हैं। ये नागकूप जो है महर्षि पतंजलि की तपोस्थली, महर्षि पतंजलि की कर्म भूमि रही है, जो कि भगवान शेषावतार, शेषनाग के अवतार माने जाते थे महर्षि पतंजलि, उनका ये कर्मस्थली है। यहाँ पे रहकर उन्होंने योग सूत्र की रचना किए हैं, महाभाष्य की रचना किए हैं और अपने शिष्यों को शिक्षा दीक्षा देने का यहाँ पे कार्य किए हैं। तो ये स्थान विशेष करके महर्षि पतंजलि का तपोस्थली है और जहाँ तक ये नाग से संबंध इनका था, इस कारण आज भी यहाँ पे नाग पंचमी के दिन मेला का आयोजन होता है और भव्य पूजन का आयोजन होता है। लोग नागिन के चित्र को ले जाकर घर में साटते हैं, यहाँ दूध लावा चढ़ाते हैं और अपने घर में सुख शांति की कामना करते हुए नाग देवता से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में उनका कोई ऐसा भय न हो जिससे उनके घर में कोई संकट आए। नाग नागिन है या नहीं ये तो क्लियर नहीं करेंगे कि दोनों जोड़ा हैं या नहीं है, लेकिन बच्चे आज भी निकलते हैं और प्रत्येक वर्ष कभी न कभी वो कुंड की सीढ़ियों पर रेंगते हुए मिलते हैं, जिसे हम लोग देख करके और स्वयं वहीं छोड़ दिया करते हैं, तो वो बच्चे आज भी मिला करते हैं। स्थान विशेष करके काल सर्प दोष शांति का स्थान है। जैसे नासिक, उज्जैन और काशी में लोग करते हैं, तो काशी में विशेष स्थान काल सर्प दोष शांति का यही है, नागकूप, जहाँ की काल सर्प दोष की शांति है। तुलसी का माला जो हमारे भगवान नागेश्वर को प्रिय है, जो नाग हैं वो उन्हीं को चढ़ता है, शेषनाग को, तो शेषनाग भगवान विष्णु के अवतार भी, भगवान विष्णु के शेष सैया पे वो रहते हैं, तो इसलिए उनके कारण वो तुलसी का माला शेषनाग भगवान को चढ़ाया जाता है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।